शिव पंचाक्षर स्तोत्रम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिस प्रकार सभी देवताओं में देवाधिदेव महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय सबसे, या यूं कहूं तो सर्वश्रेष्ठ है। इसी मंत्र के आदि में प्रणव अर्थात ओम लगा देने पर यह षष्टाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो जाता है। दोस्तों, वेद अथवा शिवागम में षष्टाक्षर मंत्र स्थित है, किंतु संसार में पंचाक्षर मंत्र को ही मुख्य माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, जप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। केवल शिव पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करता है, जो डेली इसका श्रवण करता है, केवल इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको कहीं भी किसी जप, तीर्थ, पूजा पाठ करने की या न जाने की जरूरत। दोस्तों, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया। स्वयं भगवान शिव ने इसे पंचाक्षरी विद्या भी कहते हैं। भगवान शिव का कथन है कि यह सबसे पहले मेरे मुख से निकला, इसलिए यह मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। पंचाक्षर तथा षष्टाक्षर मंत्र में वाचक भाव के द्वारा शिव स्थित हैं। शिव वाच्य है और मंत्र वाचक है। यह पंचाक्षर व षष्टाक्षर मंत्र शिव वाक्य होने के कारण सिद्ध है, इसलिए मनुष्य को नित्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस मंत्र के जाप करने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त वेदों का जो सार है वो ये पंचाक्षर मंत्र है। मोक्ष देने वाला है, ये आपको सर्वसिद्धि प्रदान करने वाला है, लौकिक और अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, और इस मंत्र के द्वारा आप समस्त रोग कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, तो भी आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो और इसके श्रवण मात्र से भी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर आपकी अकाल मृत्यु का भय हो तो इसे दूर करने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके शिव पंचाक्षर मंत्र का या तो जाप करें या श्रवण करें तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो एकाग्रचित होकर महादेव के समीप 10,000 जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। जो विद्या और लक्ष्मी चाहता है, वो भी अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करता है, पाठ करता है या केवल श्रवण करता है, तो भी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करके स्नान करने से सभी तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो अब जो आप सुनने वाले हो वो शिव पंचाक्षर मंत्र का श्रवण करने वाले हो। इसको कैसे पढ़ना है वो सुनने वाले और क्या है वो भी आपके सामने अब प्रस्तुत होने वाला है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय मंदाकिनी सलिल चंद
यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकम् आप्नोति शिवेन सह मोदते।